हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू ओरा मैथ्स क्लासेस। आज हम एलजेब्रा का 7th चैप्टर यानी 7.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 7th। इसके बाद जो भी लेक्चर होगा एलजेब्रा का वो हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो पीछे से चलती आ रही है 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और 3rd चैप्टर की वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी जो आपको नोटिस देना था कि जो भी बच्चे अभी 7th चैप्टर तक नहीं पहुँचे हैं, यानी कि अलजेब्रा के पीछे के चैप्टर्स कर रहे हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को ओपन करेंगे मीन्स देख भी लेते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो लेटेस्ट वीडियो होती है आप उसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है और बार बार जो है वो लिंक डालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप पीछे से करते रहिएगा, बस एक बार उसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप वीडियो देखेंगे वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो जिन जिन बच्चों के अभी कमेंट आए थे कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, कल वाले भी वीडियो पे मैंने चेक किया था कि ओपन नहीं हो रही है, उसको मैं रीलिंक कर दूंगी और पीछे के जितने भी पीडीएफ है सबको मैं दोबारा से जो है वो वहाँ पे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 7.5 एक्सरसाइज। सॉल्व द इक्वेशन x रेज टू पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 18x² प्लस 20x प्लस 8 इक्वल टू 0 विच हैज़ कॉमन मल्टीपल रूट्स। अगर आप अभी जैसे लेटेस्ट ये वीडियो देख रहे हो और पीछे का अगर आपको रिवाइज करना है, तो इससे जो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है शायद 15 मिनट्स की है, आप उसको देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने सारा का सारा बेसिक करवा रखा है, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो इस ये 4 डिग्री की क्वेश्चन दे रखी है, कहता है कि इसके मल्टीपल रूट्स हैं और आप इसको सॉल्व कीजिए, मीन्स हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मल्टीपल रूट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन अगर मल्टीपल रूट रखती है तो इट मीन्स रूट्स, दैट मीन्स कॉमन रूट, इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ कॉमन रूट्स, इस इक्वेशन के कॉमन रूट भी होंगे। और कॉमन रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारी इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर 4 7x³ प्लस 18x² माइनस 20x प्लस 8, ये इक्वेशन दे रखी है, हमने एफ एक्स ले लिया और हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कर दीजिए, 4x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 इक्वल टू 0, मीन्स ये इक्वेशन है आपके पास एफ डैश एक्स। और अगर एफ एक्स के पास कॉमन रूट है, दैट मीन्स हम निकालते हैं एच सी एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। कॉमन रूट कैसे निकालते हैं, एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों इक्वेशंस का एच सी एफ निकालते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो रूट आते हैं वो कॉमन रूट होते हैं। समझ गए, अब देखिए यहाँ से एस सी एफ निकालने का, मैंने जो लास्ट लेक्चर करवाया था वहाँ पे मैंने डिवीज़न मेथड बताया था आपको, कैसे आप एफ डैश एक्स की डिग्री यहाँ पे देखिए 3 डिग्री, तो हम जो है इसको डिवाइड करेंगे एफ एक्स को किससे, एफ डैश एक्स से, 21x² प्लस 36x माइनस 20। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स 7x³ प्लस 18x² माइनस 20x प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करना हर इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसमें इतना इजी नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे फ्रैक्शन में टर्म आएगी, मीन्स सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, x बाय 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको x बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे x 4 आएगा, है ना, यहाँ पे हमें इक्वल करना होता है। अब आप इसको जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन टर्म आएंगी। ठीक है, तो सारा डिवीजन फ्रैक्शन में जो है वो जो आप मिस्टेक करने के बहुत चांसेस होते हैं, तो मैं आपको एच सी एफ का एक दूसरा तरीका यहाँ पे सिखाती हूँ कैसे करना है। देखिएगा, एक साइड आप लिखिए एफ डैश एक्स और एक साइड लिखिए एफ एक्स की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एफ एक्स क्यूब माइनस 21x², ये एफ डैश की वैल्यू है, प्लस 36x माइनस 20। ओके, और इधर हम ले लेते हैं एफ एक्स, ये एच सी एफ निकालते हैं हम, ये भी डिवीजन मेथड ही होता है बट यहाँ पे हम फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं, 20x प्लस 8। ओके, आप इधर भी लाइन लगा लेंगे और इधर भी लाइन लगा लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें इसको डिवाइड करना है, अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, x बाय 4 से, बट मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं,
इसको मैं एक्स, अगर देखिए यहाँ पे फोर है, अगर मैं इसका भी मल्टीपल फोर बना लेती हूँ देन इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करती हूँ इसको फोर से मल्टीप्लाई। इस मेथड में यही जो बेनिफिट होता है कि इसके मल्टीपल आप सेम बना सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 4x^4 माइनस 28x³ प्लस 72x² माइनस 80x प्लस 32। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कर लेना। यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर, आंसर मेरा क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो, अब हम इस इक्वेशन से ए पॉलीनोमियल से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हम इधर लिखेंगे, समझ गए। इस इक्वेशन इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हम उधर लिखेंगे, और डिवीजन हमारा किस पे गया, एक्स पे, क्योंकि अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ थ्रू आउट तो मुझे 4x यहाँ पे लिख देते हैं हम। एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, 4x² माइनस 21x³ प्लस 36x² माइनस 20x। जैसे डिवाइड करते हो माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे देखते हैं रिमेनिंग फैक्टर इज 7x³ यहाँ से प्लस का 36x² एंड माइनस 40x प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री 3 है, तो इस मीन्स मैं इस कंप्लीट में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ माइनस 1, क्या आ जाएगा यहाँ से 7x³ माइनस 36x² प्लस 40x माइनस 32। समझ गए, हमने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अभी मैंने बताया ना कि इसमें जो भी हमें चाहिए हम वो चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वेरिएबल नहीं ले सकते यहाँ पे, जो ऐसा नहीं कि एक्स से कर दोगे वो डिवीजन में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीपल 4 है और इसका 7 है, इक्वल कब होगा, जब मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 7 से, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 147 से मल्टीप्लाई किया 28 बन गया हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट, एंड इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हमने कर लिया 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब माइनस 1 को हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको माइनस 1 से कॉमन निकाल लिया। अब हम सिर्फ इतने इक्वेशन को चेक करेंगे, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 28x³ माइनस 144, हाँ जी x² प्लस 160x माइनस 128। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि x³ एंड 28x³ दोनों टर्म सेम हो जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे 40 की प्लेस पे 60 आएगा, इसको आप ठीक भी कर लेना, और इसको मैं कर देती हूँ रफ। ठीक है, अब आगे देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। नाउ हमने एक बार डिवाइड किया है इसको, सिर्फ इस जो एफ डैश एक्स है एफ एक्स को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने कांस्टेंट इक्वल बनाए हैं, अभी हम क्या करते हैं जो रिमाइंडर होता है उसको डिवाइड करेंगे दिस एफ डैश एक्स। इसको हमने सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा फर्स्ट नंबर इक्वल आ जाए। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कीजिए, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ आंसर आएगा 1, इसका आंसर हम इधर लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आज इट इज आ जाएगा माइनस 144x² प्लस 240x माइनस 128 प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल करिए दिस माइनस 3x² यहाँ से प्लस 12x माइनस 12। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो मैं माइनस ले लेते 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस की टर्म है फर्स्ट, तो मैं माइनस 3 कॉमन ले लेती हूँ। x² माइनस 12x प्लस 12, ये बच जाएगा हमारे पास नंबर। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब कितने पर डिविजन जाएगा, यहाँ पे x² यहाँ पे 28x³, देन इसको मैं डिवाइड करूँगी 28x से। अगर आप इसको इससे 28x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 28x³ माइनस 28 इंटू 12, ओ सॉरी 12 नहीं,
हमने 3 कॉमन ले लिया है, 4 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे ना तो 4 एंड 4 बच जाएगा, फिर हमारा डिवीजन जा रहा है 28x पे, 28x क्यूब हो जाएगा, 28 इज 112x² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है 112। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, फिर से हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, इसको सॉल्व कीजिए, 2 3 माइनस का रह गया, एंड यहाँ से करेंगे ये प्लस की टर्म रहेगी, दिस इज 8 3 1 2 ओके एंड 1 एक्स, एंड यहाँ से देखिए माइनस 28 एज इट इज आ जाएगा ओके। यहाँ से जो आप 32 कॉमन निकाल सकते हो, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये अगर आप माइनस 3 कॉमन ले लेते हो देन ये हमारे पास इक्वेशन रह जाती है प्लस 4, ठीक है। देन ये इसको आप सॉल्व कीजिए, अब इस इक्वेशन से हमें इसको डिवाइड करना है, क्योंकि जो एस एफ निकालते हैं रिमाइंडर से हम डिवाइड करते जाते हैं ओके। तो यहाँ से माइनस 32 कॉमन ले लेते हैं, देन इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, एंड 4x माइनस ये प्लस का हो जाएगा 4, समझ गए। माइनस 32 कॉमन ले लिया हमने और यहाँ लिख देते हैं जो हमारी इक्वेशन लास्ट बनती है। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेम आ रही है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं आती है तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब ये 1 पे डिवीजन जाएगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, साइन चेंज, कैंसिल आउट ओके। लास्ट में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। देन एच सी एफ क्या आया, एच सी एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। लास्ट में जिस भी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हैं वही आपका एच सी एफ होता है, समझ गए। देन दिस इज इक्वल टू 0, इज एच सी एफ इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन जो कॉमन रूट थे या मल्टीपल रूट थे हमारे वो आ जाएंगे। सॉल्व कीजिए इसको, एक्स माइनस 2² इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 एंड 2, इसके रूट आ जाते हैं। बाकी दो रूट कैसे निकालेंगे, आप सिंथेटिक डिवीज़न कर सकते हैं, 2 से सिंथेटिक डिवीज़न करिए, फिर क्योंकि दो रूट आपके पास है तो आप 2 से 2 टाइम जो है यानी कि 2 से 2 टाइम सिंथेटिक डिवीज़न कर सकते हैं ओके। और वहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी लास्ट में उसको सॉल्व करके जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, आगे आप खुद प्रोसीड करना है इसको। और ये मेथड थोड़ा सा अगर समझ में आ जाता है तो बहुत इजी है, ठीक है। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि हमने कहीं पे किसी से मल्टीप्लाई कर दिया कहीं पे किसी, हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर इक्वल बनाना होता है और कॉन्स्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन ये ईजी रहेगा कंपेरिजन टू डिविजन मैथड। नाउ जो अभी एक्स की वैल्यू आई है, एक्स इक्वल टू 2 एंड 2, दीज आर कॉमन रूट या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल रूट्स ऑफ किस किस इक्वेशन के थे, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, ठीक है। इसका मतलब 2 और 2 ये एफ एक्स के भी रूट हैं और एफ डैश एक्स के भी रूट हैं। और हमने ये पीछे पढ़ा था कि अगर टू रूट, देखिए यहाँ पे 2 अकर 2 टाइम किस में, एफ डैश एक्स में, यानी 2 जो है वो एफ डैश एक्स का 2 डबल टाइम जो वो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर एफ डैश एक्स का कोई रूट जितने भी टाइम अकर होगा एफ एक्स का उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स एफ डैश एक्स का 2 एंड 2 है, implies that 2 occurs thrice in f of x, समझ गए। इसका मतलब ये है कि 2 और 2 f dash x के रूट हैं, दो टाइम है 2 और 2 दो टाइम यानी रिपीट हो रहा है ये, और अगर f dash x में दो टाइम है तो f x का 3 टाइम, यानी दीज आर रूट्स ऑफ एफ ओ एक्स। यहाँ से आपको 3 रूट मिल जाते हैं,
कॉमन रूट निकाले हमने, एफ एक्स का भी आ गया, एफ डैश एक्स, यानी दोनों के रूट हैं ये दोनों। और अगर दो जो है वो एफ डैश एक्स का 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ से जो एफ एक्स का रूट होगा वो 3 टाइम होगा, यानी हमें 3 रूट मिल जाते हैं। फोर्थ रूट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ 3 रूट कीजिए यहाँ से, सम ऑफ 3 रूट्स 2 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज 6। एंड इक्वेशन जो हमें गिवन है दिस एफ एक्स, यहाँ से आप निकालिए सम ऑफ 4 रूट, सम ऑफ 4 रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 7 बाई ए, क्या होता है? एक्स 4 का मल्टीपल 1, दैट मीन्स 7। देन जो फोर्थ रूट होगा, फोर्थ रूट दिस इक्वल टू सम ऑफ 3 रूट, सॉरी सम ऑफ 4 रूट माइनस सम ऑफ 3 रूट। अगर 4 रूट के सम में से 3 रूट का सम माइनस कर लेते हैं तो हमें फोर्थ रूट मिल जाता है, दैट मीन्स 7 माइनस 6 इज 1, तो फोर्थ रूट हो गया 1। तो इक्वेशन हो गई सॉल्व, सारे रूट हमें मिल गए 2, 2, 2 एंड 1, दीज आर द 4 रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेवेंथ, सिक्स का सेकेंड पार्ट, इसकी भी मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है, इससे आपका सिलेबस और भी डिले होता जाएगा, और कोशिश करूँगी कि कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। बट जो सेम क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करवाऊँगी, इसी से आपको ज़्यादा टाइम लगता है कि सिलेबस फटाफट नहीं होता, जल्दी जल्दी नहीं होता है। क्वेश्चन 7 देखिए, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं यहाँ पे सेवन्थ का, एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है, यानी कि कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगी आपको, कहता है कि इसके मल्टीपल रूट नहीं होंगे, ये आपको बताना है। तो मल्टीपल रूट किसी भी इक्वेशन के कब नहीं होते, कैसे निकालते हैं हम? मल्टीपल मीन्स कॉमन रूट, हम निकालते हैं एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, किसका? एफ ओफ एक्स एंड एफ डैश एक्स का, ओके। अगर एचसीएफ ऑफ दीज इक्वेशंस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, और इनका एचसीएफ अगर कांस्टेंट आ जाता है, इसका मतलब जो भी इक्वेशन होगी उसके पास मल्टीपल रूट नहीं होगा, समझ गए? तो आपको करना क्या है, एफ एक्स गिवन है उसका डेरिवेटिव कीजिए, और डेरिवेटिव से जो इक्वेशन आएगी, मान लीजिए कि 4 डिग्री की है तो डेरिवेटिव 3 डिग्री का आएगा, तो इससे जो आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, 1, 3, 5 जो भी है, मीन्स उसके अंदर एक्स नहीं होगा, समझ गए? तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है, दैट मीन्स इक्वेशन एफ एक्स कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स, समझ गए? सॉल्यूशन में डाल देती हूँ PDF में, आप चेक कर लेना वहाँ से। आप देखिए सॉल्यूशन 8 कैसे करना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स आर नॉट अनइक्वल, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया आपके पास, आर नॉट ऑल अनइक्वल, इसका मतलब इसके जो सारे रूट्स हैं वो अनइक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल है, ओके? तो यहाँ से क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, वही क्वेश्चन बन गया हमारा जो अभी तक करते आ रहे थे हम, फाइंड देम, वैसे ही निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स करेंगे, देन एच सी एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ से इक्वेशन पॉलिनोमियल आएगी उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में मतलब कि इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। यानी जो भी एचसीएफ आएगा यहाँ पे उसको इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने लास्ट में बताया था कि आपको फोर्थ रूट कैसे निकालना है, ठीक है। अगर किसी को ये माइंड में स्ट्राइक नहीं करता एग्ज़ाम के टाइम कि एफ डैश एक्स के पास अगर अल्फा और अल्फा रूट है, देन एफ एक्स के जो रूट होंगे वो 3 टाइम रिपीट करेगा, समझ गए?
अगर एफ डैश एक्स के डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है अगर उसके पास चार टाइम रिपीट कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स में इससे एक ज़्यादा बार रूट रिपीट करेगा, ये हमारा मेथड है। ओके किसी बच्चे के अगर ऐसे माइंड में स्ट्राइक नहीं करता तो जहाँ पे आप एच सी एफ निकालते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे एक्स इक्वल टू टू एंड टू दो रूट आ गए थे हमारे पास। ओके तो आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो। मेन मोटिव हमारा इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन आता है तो आप इजीली सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके वहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 11, देखिए फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। हमें कंडीशन बतानी है कब, जब ये इक्वेशन मे हैव इक्वल रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के पास दो रूट इक्वल हैं, समझ गए, एफ एक्स के दो रूट इक्वल हैं, टोटल रूट कितने बनेंगे, तीन। क्यों, क्योंकि तीन डिग्री की इक्वेशन है। एंड शो दैट ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू दिस, और उनमें से ये बताना है कि जो इक्वल जो कंडीशन आएगी आपके पास रूट होंगे वो ये आएंगे, या तो ये आएगा या फिर दिस नंबर। ठीक है तो सबसे पहले देखिए इक्वल रूट की कंडीशन समझिए। ये हमें इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ कि अल्फा, हमें बोला गया है कि इसके दो रूट इक्वल है, मान लिया अल्फा अल्फा और बीटा, इसके तीन रूट हो गए, दीज आर रूट्स ऑफ एफ एक्स, कितने रूट इक्वल है, अल्फा और अल्फा। अभी हमने क्या कंसेप्ट, इस पूरे एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है, अगर एक एफ ऑफ एक्स के दो रूट इक्वल है देन एक रूट अल्फा मस्ट बी रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स, समझ गए। अगर एफ एक्स में दो रूट सेम है तो वो एफ डैश एक्स का जरूर से जरूर रूट मिलेगा। अगर मान लीजिए अल्फा अल्फा और अल्फा तीनों रूट इक्वल दे रखे हों, यानी कि दीज आर रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसी भी इक्वेशन के तीन रूट इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और अल्फा रूट्स ऑफ आर रूट्स ऑफ किसके, इट्स डेरिवेटिव। जैसे आप डेरिवेटिव की इक्वेशन निकालेंगे वहाँ पे अल्फा दो टाइम रिपीट करेगा, एफ एक्स में कितने टाइम रिपीट कर रहा है, थ्री टाइम, एफ डैश एक्स में कितने टाइम करेगा, दो टाइम। नेक्स्ट आते हैं एफ डैश एक्स, सॉरी डबल डैश एक्स, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर देती हूँ तो यहाँ से अल्फा मस्ट बी रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स, समझ के, अगर एफ एक्स में तीन टाइम है तो दो टाइम एफ डैश एक्स में और एक टाइम एफ डबल डैश एक्स में। अब ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड डेरिवेटिव निकालते हो उसमें अल्फा इसका रूट नहीं होगा, समझ गए। तो यही कंडीशन है जो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, अंडरस्टैंड। एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे और हमें चाहिए, हमें ये गिवन है कि इसके पास दो रूट इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं अल्फा और अल्फा इसके दो इक्वल रूट ले लेती हूँ देन अल्फा जो होगा वो एफ डैश एक्स का भी रूट होगा, अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टार्टिंग से ये इक्वेशन आपको गिवन है और दो रूट इक्वल है, अल्फा अल्फा बी टू इक्वल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव कर लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बी एक्स प्लस थ्री सी, ठीक है, यहाँ से आगे डेरिवेटिव भी यानी एफ डैश इक्वल टू ज़ीरो आ गया हमारे पास। अभी हमने कहा कि अल्फा एफ एक्स का भी रूट है और अल्फा एफ डैश एक्स का भी रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से थ्री कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कीजिए, सेकेंड को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ एक्स से एंड इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर, सॉरी थ्री नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड है, थ्री फोर तो लिए नहीं अभी,
फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, एंड इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स क्यूब प्लस टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो। माइनस कीजिए, कैंसिल आउट, थ्री बी माइनस टू बी इज एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड और थर्ड टू डिग्री के आगे, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड को। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपके इजीली सॉल्व हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू जीरो, और थर्ड इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट, ओके। एक्स स्क्वायर लेते हो तो आप इसको स्किप करेंगे, देन टू बी इंटू डी माइनस टू सी स्क्वायर, एंड एक्स अपॉन में हम इसको स्किप करेंगे, ए उल्टा होता है, या तो आप माइनस अप्लाई कीजिए या फिर यहाँ पे आप पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सी माइनस ए इंटू डी। और कॉन्स्टेंट के लिए करेंगे तो हम इसको स्किप करेंगे, ए इंटू यानी टू ए सी माइनस टू बी, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी पहले आप लास्ट के दो फैक्टर उठाइए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, फिर आप फर्स्ट या इन दोनों को ले सकते हैं। इन दोनों को लेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यही आएंगे कि इक्वल रूट हमारे या तो ये होना चाहिए या इसके। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है भाई, थ्री बी माइनस टू बी से बी एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बी आ जाएगा, और कहाँ चेंज करेंगे हम, ये ठीक है, इसमें चेंज करना पड़ेगा बी इंटू सी, एंड यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे टू सी माइनस, ये ऐसा ही था ना, बी इंटू, ठीक है। और इसको सॉल्व कर रहे हो तो टू ए सी माइनस टू बी स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी डी माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन बी सी माइनस ए डी। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही आप लेंगे लास्ट टू फ्रैक्शन, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी सी माइनस ए डी अपॉन टू इंटू टू कॉमन ले लीजिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे आपकी, ठीक है। देखिए, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स, किसके पास इक्वल रूट नहीं होंगे। तो इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सेवन एन फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो। हमें बताना क्या है कि एफ एक्स के पास इक्वल रूट नहीं है, दैट मीन्स एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स हैज़ नो कॉमन रूट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव करते हैं, एन पावर एक्स की पावर एन माइनस वन रिमेंस रह जाती है। और जब आप इस टर्म का, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं इस टर्म का डेरिवेटिव कर रही हूँ, क्योंकि ये सिमेट्री बन जाएगी, इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिख रही हूँ। इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, फिर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पावर एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन, और एन फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि यहाँ पे हम डैश डैश लगा के छोड़ देंगे, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। दोनों को माइनस कर लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एच सी एफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को माइनस करिए, यहाँ पे माइनस करेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिखा था क्योंकि दोनों सेम है, कैंसिल, दिस ऑल्सो कैंसिल, इसके बाद जो टर्म आएगी वो टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, अप टू सो ऑन, क्योंकि लास्ट में एन फैक्टोरियल था, यहाँ पे जीरो हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा, एन एक्स की पावर एन, और ये भी एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जो लास्ट में आपके पास जैसे जैसे डेरिवेटिव करते जाएंगे ना, लास्ट की टर्म जो वो एन फैक्टोरियल ही आएगी, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक बचेगी एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। अब हम
हमें बताना है कि एक भी इक्वल रूट नहीं है। हम देखते हैं कि इफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स हैज ए कॉमन रूट देन एफ एक्स हैज इक्वल रूट। ठीक है, अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स के कॉमन रूट होगा तभी एफ एक्स के पास इक्वल रूट होगा। अब अगर कॉमन रूट है, कोई भी रूट ऐसा है कि दोनों का सेम है, देन एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर कॉमन रूट है दोनों का तो इस एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू पावर एन, दिस इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ एक्स का जो है हमारे पास एक रूट मिल जाता है एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइज। अगर हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि कॉमन रूट होगा तो हम ये निकाल रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा एफ एक्स को। अब आप पुट करके देखिए एक्स के प्लेस पे, एफ एक्स में हम एक्स पे जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे देख लीजिए जीरो 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 टू सॉन, लास्ट में क्या बचता है एन फैक्टोरियल। तो जैसे ही आप एफ ऑफ जीरो निकालते हो तो हमारे पास एन फैक्टोरियल आता है नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तो एक्स इक्वल टू जीरो इसका सेटिस्फाई किया ही नहीं, देन वी हैव कंट्राडिक्शन। ठीक है, हमने लिया था कि कॉमन रूट है, कॉमन रूट होंगे तो कंडीशन आ गई एक्स इक्वल टू जीरो इसका रूट है, एफ एक्स का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, बट हमने देखा कि सेटिस्फाई तो किया ही नहीं क्योंकि एन फैक्टोरियल इज ए कॉन्स्टेंट। जब आप एक्स की प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो एन फैक्टोरियल बच जाता है हमारे पास। ओके, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स कैनॉट हैव मल्टीपल या कॉमन या फिर इक्वल लिख लीजिए आप इक्वल रूट्स। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 7.5। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करवाए हैं उन यानी मैं पूरी एक्सरसाइज ही वहाँ पे डाल देती हूँ, और जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं किए हैं वो आप उसमें पीडीएफ में चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं टेलीग्राम लिंक भी डालती हूँ, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।